जी दिख नहीं रहा है फिलहाल, इधर किसको बोलते चेतक हमको पता नहीं है, अभी ये बोल रहे हैं उसका छोटा वाला छोटा भाई है, तो बताइए हमको कि जो चेतक घोड़ा है वो एक मशहूर घोड़ा हुआ है, जो हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा जो राजपूत वंशज के बहुत बड़े एक राजा हुए हैं उनके घोड़े का नाम था चेतक, और वो चेतक फेस्टिवल मुन्ना दादा जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सारंगखेड़ा में वर्षों से कहा करवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी महाराष्ट्र के लिए उपलब्धि है आप लोगों के लिए, और उपलब्धि इसलिए कि जो आज हम इतने देख रहे हैं हजारों की तादाद में जो घोड़े बने हुए हैं और जो हम लोग लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पे रेस हो जाता है, आज खत्म हो जाता है सारी सुविधाएं देते। तो चेतक जो घोड़ा है घोड़ों की नस्लों से ही सारे घोड़े पैदा हुए हैं जी, तो चेतक नस्ल के ये जो घोड़े जो राजा महाराजा आज कल जैसे मंदिर बनाए कोठियां रह गई राज दरबार रहे नहीं तो उन लोगों ने हमारा सुब्रत कर दिया, अब हम लोग पालते हैं और आप लोगों के बीच में लाते हैं बेचने के लिए ताकि आप लोगों को भी शौक लगे अच्छा, और आंसू पालना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा ये चेतक घोड़े का रेट क्या था? रेट इसके तो मैम 7 लाख रुपए हम मंग रहे हैं इसका। हाँ 7 लाख रुपए क्योंकि ये भी अदंत बच्चा है। अच्छा। और ये 63 हाइट है, मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रोथ करते हैं इसकी हाइट और बढ़। हाँ ये कम से कम 66 माह बनेगा जी, और ये पास में जितने सब हमारे पास अदंत बच्चे ब्लैक कलर कानून गो का बेटा नवाब है हमारे पास, वो नवाब वहाँ बना हुआ उसकी हाइट है 66 से लेकर 66 इंच, उसको पाँव में लगाने के लिए लाए थे मगर चूंकि हुआ क्या कि वो पाँव में उसके रस्सी लगने की वजह से हम यहाँ पे लगा नहीं पाए सो में, हाँ वरना हम उसको सो में लगाते। और ये सब आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं बाहर से और आप लोगों को देख के हमको बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई महाराष्ट्र में इतने शो किया बड़ा अच्छा लग रहा है। और वैसे में जो महाराष्ट्र में वहाँ पर गेली बात अहिल्या और थोड़ा गर्व है कि हम उस गांव के रहने वाले हैं और उससे ज़्यादा गर्व इस बात का भी इधर आ जाओ ना खड़े और हम जिस यहाँ आए हैं ये हमारे नाना मामू का गांव है, वो कैसे कि अहिल्याबाई होलकर हमारे यहाँ पास के गांव की है महाराष्ट्र की और यहाँ का उनका मैका और वहाँ का ससुराल, तो हम लोग ससुराल से आए हुए हैं यहाँ हमारे नाना मामा के गांव आए हैं हम लोग बहस कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं और क्या है। तो हमेशा आप लोगों से भी मेरे निवेदन कि एंजॉय कीजिए खूब और घोड़ा खरीदिए पालिए। हाँ हाँ थैंक यू मैडम, आइए मैं आपको बताता हूँ और दूसरे घोड़े आइए आप भी देखिए। और ये देख रहे हो दोस्तों अपन आया है यादव स्टेट फार्म महेश्वर मध्य प्रदेश, राजेंद्र यादव नवाब मणि और चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर जी, आइए और अपने जरा घोड़े के बारे में बात करेंगे अपन। आपको नायाब नायाब एक से नायाब घोड़े दिखाता हूँ मंडी की जान और शान। अच्छा अच्छा देखने आए हो क्या वीडियो? चेतक घोड़ा लेने के लिए आए और वो दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल, हमको ढूंढना पड़ेगा सब घोड़ों के अंदर उसको कहाँ है। कहाँ से आए आप? नंदुरबार से आए। नंदुरबार लेकर आए चेतक घोड़ा खरीदना है। ये बता रहे ना चाचा चेतक का भाई, ये चेतक का छोटा भाई है ना इधर इधर के रहे ना चाचा चेतक का छोटा भाई, ये ले लो। हाँ जी डुप्लीकेट होगा वो, बच्चा है चेतक का छोटा भाई। अच्छा है बच्चा है, इसकी उम्र कम से कम होगी 17-18 महीने का ही बस। जी जी और इसकी हाइट है 63 इंची का है चेतक। तो मैम चेतक तो एक ऐसा है कि चेतक एक फेस्टिवल जो हो रहा है हमारे जो यहाँ पे मुन्ना दादा हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है, आप और हम जो आज जो लुत्फ उठा रहे हैं ये मुन्ना दादा की वजह से उठा रहे हैं। और चेतक फेस्टिवल इसलिए यहाँ पे करवाया जाता है कि
कि जो चेतक नाम का घोड़ा हुआ अपने हिंदुस्तान के अंदर वो बड़ा मशहूर घोड़ा हुआ है। वो राजा महाराजा का था, महाराणा प्रताप, जो उनके नाम से मतलब ये फेस्टिवल रखा है। इधर आ जाओ ना चाचा, इनको जरा समझाते हुए बहुत अच्छा आ जाएगा। इधर छाँव में चले जाओ, एक दो मिनट लगाता हूँ। जो चेतक फेस्टिवल है एक मिनट।